नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में लौटेगी तेजी या होगी एक और बार गिरावट? कैसा रह सकता है ट्रेडिंग सेशन? कैसे आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बताना चाहूंगा। पहले तो आज RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जी की न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी चिंता जताई है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात, फ्राइडे के सेशन में ग्लोबल मार्केट्स में जो आपने एक और बार गिरावट देखी है वो एक नेगेटिव संकेत है। मतलब कि इस समय कुछ ज्यादा खास पॉजिटिव नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, कल के लिए बात कर रहे हैं केवल और केवल। ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं भैया अगले 6 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने, नहीं, केवल कल और कल के लिए प्रॉपर। पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देना चाहूंगा। एशिया पैसिफिक बात करें तो निकाई 1.5% नीचे था, हैंगसेंग 0.25% नीचे था, शंघाई 0.25% नीचे था। तो ओवरऑल आपको लाल निशानी दिखा है एशिया में। तो यूरोप की बात करें, फिटसी 0.5% नीचे, डेक्स 1%, कैक में 0.5% की गिरावट, तो यहां से भी नेगेटिव। अच्छा, अमेरिका के बाजार की बात करते हैं भैया, डाउ जोन्स 0.65% नीचे, नेस्डेक इंडेक्स 1% नीचे, S&P 500 भी 0.77% नीचे, और रसेल 2000 में तो 1.5% की बड़ी गिरावट आई है, तो ये भी नेगेटिव ही दिख रहा है आपको। अच्छा, आप सभी के साथ एक और डाटा शेयर कर देता हूँ। SGX निफ्टी 15 पॉइंट नीचे, लेकिन 18700 पे हमारी क्लोजिंग है, 18665, यानी कि 35 पॉइंट SGX निफ्टी हमसे ऊपर है। ओवरऑल वो भी लाल निशान में, हम भी लाल निशान में। तो ये सारी चीजें आपको देखने के बाद क्या लगा? नेगेटिव। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक और डाटा आप सभी के साथ शेयर करता हूं, जो कि डाटा अभी केवल और केवल डाटा पे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको एनालिस करने की कोशिश करेंगे। एनालिस करने की FII DIIs के फ्लो की बात कर लेते हैं। FIIs कैश मार्केट में 350 करोड़ का बेच के चले गए, नेगेटिव। DIIs 684 करोड़ का कैश मार्केट में बेच के चले गए, नेगेटिव। फ्यूचर्स में FIIs ने 246 करोड़ की एक मामूली सी खरीदारी करी है, तो स्लाइडली पॉजिटिव आप कह सकते हो। ऑप्शंस में 10,300 करोड़ की बाइंग हुई है। अब ऑप्शंस का डाटा बहुत क्रिटिकल होता है, समझ में नहीं आता भैया सेल साइड कॉल साइड बाय कराया या पुट साइड बाय कराया। और कल फ्राइडे का चार्ट पैटर्न देखोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में ऐसे हुआ, पूरा रिकवर हुआ, बीच में आया, फिर नीचे, तो ये गैस करना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में किसी ने पुट बेच के कॉल खरीदी, फिर वहां से नीचे पुट खरीदी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो कह नहीं सकते हम, तो उसको हम छोड़ देते हैं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, हटाओ, अवॉइड। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, अभी पूरे पूरे डाटे की बात चल रही है। TCS के लिए 100 करोड़ का स्कैम सामने आया, विसल ब्लोअर सामने आया है। ईरोस इंटरनेशनल पे सेबी ने कहा है कि भैया ये तो कंपनी अकाउंटिंग इररेगुलरिटीज को बीच में लाके खड़ा कर दिया है, MD CEO को बैन कर दिया है सिक्योरिटी मार्केट से, यानी शेयर बाजार से, तो उनका खराब मामला है। कुछ बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हैं, बड़े बड़े कहीं ना कहीं सौदे होते हुए दिखे हैं, तो वो बहुत सारे स्टॉक है, उसको बताऊंगा तो वीडियो पहुंच जाएगी 15-20 मिनट की, उसको छोड़ते हैं। अब आते हैं मार्केट को कैसे टैकल करना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई उसमें एक भी पॉजिटिव है क्या? नहीं है। पॉजिटिव है ब्रॉडर, बड़ा सिनेरियो देखोगे तो। बड़ा सिनेरियो में पॉजिटिव क्या है? आपको डाटा एक दिन में चेंज हो जाता है, ठीक है, आपको मार्केट ग्लोबल मार्केट्स एक दिन में घूमते हुए दिख सकते हैं। अगर आप ब्रॉडर देखोगे तो नेगेटिव है नहीं इस समय आपका ब्रॉडर, आपका रेट पॉज है इस समय, कहीं ना कहीं दिसंबर या फिर सितंबर के करीब आपको एक रेट कट की उम्मीद आ रही है बाजार से, रेट हाई कभी होते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको बाजार में। इन्फ्लेशन का डाटा अभी तक ठीक है, आगे बढ़ सकता है वो RBI जी ने चिंता जताई है, वो ठीक है, देख लेंगे भाई कैसा क्या है। फ्लोस की बात करें तो FIIs अगर ओवरऑल फ्लो देखोगे आप, तो मैं आपके साथ वो भी डाटा शेयर ही कर देता हूँ, एग्जैक्टली फिगर क्या कह रहा है, पूरे मंथली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपके साथ जून का ही शेयर करता हूँ, जो करंट मंथ आपका चल रहा है। तो अगर मैं मंथली बेसिस पे जून की बात करूँ FIIs, तो 7,000 करोड़ की बाइंग है, ठीक है। अगर DIIs की बात करूं मैं तो 6,000 करोड़ की बाइंग है। अच्छा, FIIs का फ्यूचर्स की बात करूं तो 82 करोड़ की बिकवाली है, तो पॉजिटिव ही है। लेकिन मई में देखो तो 4,000 करोड़ फ्यूचर्स में खरीदा था। DIIs ने अगर मई में देखोगे तो 3,350 करोड़ की बिकवाली करी है, कोई बात नहीं। FIIs देखो तो 28,000 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव ही है। अब मार्केट को कैसे टैकल करना है, देखिए मैं आपसे कंटिन्यू कह चुका हूँ फ्राइडे से लेकर, फ्राइडे शूट करा, सैटरडे शूट करा, आज फिर बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो मेरी आज की, कि शेयर बाजार अब कल से लेकर, कल आपका 26th और मंडे है, थर्सडे तक आपके लिए जून एक्सपायरी चलेगी, जहां पे बाजार के लिए ऊपर जाना मुश्किल है। एक आध उछाल आएगा वहां बेचो, सिंपल सा लॉजिक लेके चलो, एक आध उछाल आएगा वहां बेचो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बेच देना। जून एक्सपायरी खत्म होने का, जुलाई एक्सपायरी जब शुरू होगी फ्राइडे को आपके लिए, वहां से आप दोबारा ऊपर की तरफ के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि ये जून में बाजार आपको ऊपर नहीं जाएगा, जो फंस गए ऊपर
अब उन्हें बाजार निकलने का मौका नहीं देगा, कहेगा लाओ भाई पैसा दे दो हम रख लेते हैं अपने पास। तो अब बाजार ऊपर में आपको मौके नहीं देगा निकलने के, क्योंकि हर एक बंदा बुलिश था, पॉजिटिव था, ऊपर फंसा लिया बाजार ने, नीचे आ गया है, वेट कर रहे हैं ऊपर आने का, थोड़ा बहुत उछाल मारेगा वो अपनी पोजीशन काटेंगे, फिर बाजार नीचे आएगा, ये बाजार में होता रहेगा। इस समय कोई खरीदने के मूड में लग नहीं रहा है ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए। तो ये पूरा का पूरा मेरी तरफ से जो डाटा बन रहा था उसके ऊपर मेरी जो स्टडी बन रही है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा कि ऊपर जाने में अगले चार ट्रेडिंग सेशन के लिए तो मुश्किल आने वाली है बाजार में, और उछाल आएगा तो वहां पे दोबारा सेलिंग आ जाएगी। लेकिन ये प्रॉपर अगले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन के लिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, 5-7 ट्रेडिंग बाद दोबारा से अगर पॉजिटिव मूड बनता है तो आपको लाइफाई लगते हुए दिखेगा। ये मेरी तरफ से वीडियो थी, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।